मैं धर्मेंद्र तंवर, सिरोन सोलर पार्क से। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे एक स्ट्रिंग इन्वर्टर के बारे में, तो चलिए देखते हैं। ये है स्ट्रिंग इन्वर्टर, सनग्रो कंपनी का है, 200 किलोवाट पिक का है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 200 किलोवाट पिक का इन्वर्टर है। इसका डीसी इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज है 1500 वोल्ट है, मिनिमम 600 वोल्ट है। इसका डीसी इनपुट है 12.26 एम्पियर का है। और एसी की बात करें तो इसका एसी आउटपुट का जो सप्लाई है वो थ्री फेज है, एसी थ्री फेज 800 वोल्ट का है। और इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट जो 180 एम्पियर तक का ये दे सकता है। इसके डीसी कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये डीसी कंपोनेंट है, डीसी देखते हैं। ये डीसी कंपोनेंट है, इसमें एक इन्वर्टर में 24 स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इसमें डीसी को कंट्रोल करने के लिए इसमें चार डीसी स्विच भी दिए हुए हैं, जिसमें एक डीसी स्विच 6 स्ट्रिंग को कंट्रोल करता है। जैसे इसमें दिए हुए हैं, ये है डीसी स्विच, ये एक नंबर का है, ये दो नंबर का है, इधर भी दो है, ये तीन है, ये चार है। ऐसे करके चार डीसी स्विच दिए हुए हैं जो 24 स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं। एक डीसी स्विच से 6 स्ट्रिंग कंट्रोल होती है। अब सिंगल स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रिंग में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इसमें सिंगल स्ट्रिंग में मॉड्यूल की बात करें तो एक स्ट्रिंग में 30 मॉड्यूल कनेक्टेड हैं, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज कनेक्शन इसलिए किया हुआ है कि ताकि हमें वोल्टेज को बढ़ाकर देना है। इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है कि इसमें मिनिमम 600 वोल्ट और मैक्सिमम 1500 वोल्ट तक का हम इसको दे सकते हैं। तो इसको वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमने इसको 1250 वोल्ट डीसी दिया हुआ है। इस तरह से 30 मॉड्यूल का सीरीज कनेक्शन करने से वोल्टेज बढ़ता है, जिससे हमें 1250 वोल्ट मिल रहा है जो कि हमें इन्वर्टर को दे रहे हैं, इससे हम इन्वर्टर को रन करवा रहे हैं। अगर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इसमें एम्पियर बढ़ता है और वोल्टेज रिमेंस सेम रहता है, तो इसलिए हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करके इसका वोल्टेज बढ़ाया है और जो एम्पियर रेटिंग है उसकी सेम रखी है। जो सिंगल मॉड्यूल का है वही एम्पियर रेटिंग इसकी सेम रहेगी। तो ये सिंगल स्ट्रिंग की बात हो गई। अब ये डीसी के बाद में इससे अगर थोड़ा ऊपर आएँ तो इसमें नेगेटिव की एक बस बार होती है और एक पॉजिटिव की बस बार होती है। नेगेटिव बस बार जो होती है उसमें जो 24 स्ट्रिंग में जो 12 नेगेटिव होते हैं और 12 पॉजिटिव होते हैं, तो जो 12 नेगेटिव होते हैं वो 12 नेगेटिव की जो बस बार होती है कॉमन बस बार होती है, वो कॉमन बस बार पे सभी नेगेटिव के टर्मिनल होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसमें सभी जो पॉजिटिव 12 होते हैं वो सभी एक ही बस बार पे जाके कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में अंदर इन्वर्टर के अंदर की बात करें तो इसमें बहुत सारे वैसे डिवाइसेस लगी होती है, जैसे कि डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, IGBT हो गया, फिल्टर हो गया। इसमें मेन अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें मेन होता है एक IGBT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT का काम यह होता है कि IGBT जो DC जनरेशन होता है, हमारा सोलर से जो जनरेशन होता है वो DC में होता है और हमें AC में सप्लाई चाहिए होता है, तो जो DC होता है उसको AC में कन्वर्ट करने के लिए IGBT होता है। IGBT DC टू AC कन्वर्ट करता है। उसके बाद में इसमें लगा होता है फिल्टर। फिल्टर का मेन काम यह होता है कि जो DC से जो AC जनरेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उस AC में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एकदम क्लियर प्योर AC करने के लिए जो फिल्टर लगाया होता है। फिल्टर का यही काम होता है कि जो DC से जनरेट जो AC होता है उस AC में से इम्प्योरिटीज़ हटा के जो प्योर AC बनाने के लिए फ़िल्टर लगा होता है। उसके बाद में हमारा आता है ये AC कंपोनेंट। AC में क्या होता है कि हमने इसमें 185 स्क्वायर mm की पॉलीकैप की केबल लगाई हुई है, जो यहाँ से AC का जो सप्लाई आउटपुट हो रहा है, जो जनरेशन हो रहा है, इसको ले जाकर पैनल रूम में जो हमने एक ब्रेकर लगाया हुआ है, MCCB ब्रेकर, ये ब्रेकर पे ये केबल जाके हमने कनेक्ट कर दी है ताकि हम वहाँ से इसके AC को हम कंट्रोल कर सके, बंद कर सके, चालू कर सके। तो इसलिए हमने AC ब्रेकर वहाँ पर लगाए हुए हैं LT पैनल में। इसके बाद में हमने इन्वर्टर को ग्राउंड दिया हुआ है ताकि इन्वर्टर को सेफ्टी के हिसाब से अगर बॉडी करंट हो, कुछ भी अगर स्ट्रिंग फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इन्वर्टर को कुछ हानि ना हो, कुछ नुकसान ना हो, इसके लिए हमने इसको ग्राउंड कर रखा है। ये ग्राउंड जाता है हमारा अर्थपीट में, जो हमने यहाँ पर अर्थिंग पीट लगाया हुआ है। तो ये इसका DC का अर्थिंग, ये इन्वर्टर की अर्थिंग की हुई है। इसके बाद में इन्वर्टर का जो सबसे मेन फंक्शन है, सबसे अच्छी स्पेशलिटी है इस इन्वर्टर की, सनग्रो की है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस से कनेक्ट करता है। मतलब कि इसको हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं। उसका मेन ये होता है, एप्लीकेशन होता है उसमें एक iSolar क्लाउड करके, उसमें सभी स्ट्रिंग का एम्पियर देख सकते हैं, वोल्टेज देख सकते हैं। इसमें इन्वर्टर में जो 12 MPPT होते हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पावर फैक्टर देख सकते हैं, AC इनपुट कितना है और DC इनपुट कितना है, सब कुछ इसमें देख सकते हैं। फॉल्ट वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या क्या फॉल्ट आए हैं, किस टाइम पे आए हैं, तो उस हिसाब से हम फॉल्ट को भी रेक्टिफाई करके हम उसको सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। फॉल्ट में जो अलार्म भी होता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट टाइप का होता है,
एक जनरल लेवल का होता है, अगर इम्पोर्टेंट लेवल का है तो मतलब कि हमें उसे इमिडिएटली रिजोल्व करना पड़ेगा जो भी फॉल्ट आया हुआ है, और जो जनरल होता है उसको भी हमें करना तो होता ही है, पर वो है कि हम थोड़ा सा आराम से भी उसको कर सकते हैं। तो ये उसका इसका हो गया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस का। अब इसमें फ़ैन भी होते हैं, आप थोड़ा पीछे आइए, मैं आपको पीछे बताता हूँ, इधर से थोड़ा पास में ही। ये इसमें इन्वर्टर में जो 6 कूलिंग फ़ैन लगाए होते हैं, 6-4 यहाँ पर होते हुए हैं और 2 इधर साइड में होते हैं। ये फैन का जो मेन फंक्शन होता है, ये इन्वर्टर को कूलिंग के लिए लगाया जाता है, और ताकि हमारा इन्वर्टर जो है पीक टाइम पे जो जनरेशन होता है, मतलब लगभग ये मान के चलो कि 11 बजे के बाद से, 11-12 से तो उधर 2 बजे तक में जो पीक टाइम होता है हमारा सोलर जनरेशन का, उसमें इन्वर्टर की हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीटिंग की वजह से जनरेशन लॉस भी होता है। तो वो जनरेशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए और इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए, ताकि हीटिंग होकर इन्वर्टर ब्लास्ट ना हो, जले ना, कुछ भी अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए हमने इसमें फ़ैन लगाए हुए हैं, कूलिंग फ़ैन। इसके बाद में ये हमारा इन्वर्टर है सनग्रो का, यही इस इन्वर्टर की खासियत है, और यही हमने आज इस इन्वर्टर के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू।